हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को न्यूमरिक्स ATMG टैबलेट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसे कि इस टैबलेट का मुख्य प्रयोग बता दें, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, बुखार जो होता है शरीर के अंदर, जो कि जल्दी बाहर नहीं निकलता है, उसी से निजात पाने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो न्यूमरिक्स एटी टैबलेट बच्चों और बड़ों दोनों में मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो दवाएं होती हैं। न्यूमरिक्स टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल की बात करें तो मलेरिया का उपचार में होता है। मलेरिया एक संक्रमण है जो मच्छर के काटने से संचारित होता है। न्यूमरिक्स एटी टैबलेट मलेरिया परजीवी को मारकर मलेरिया का इलाज असरदार ढंग से करता है, जिन्हें एंटी मलेरिया कहा जाता है, और इसे मलेरिया की रोकथाम करने या गंभीर जटिल मलेरिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं न्यूमरिक्स ATMG टैबलेट के सावधानियों के विषय में। तो इसे भोजन के साथ लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को दवा को बेहतर तरीके से लेने में मदद मिलेगी। इसे डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि मिले, बताई गई डोज से अधिक न लें, क्योंकि ऐसा करने पर आपके शरीर पर हानिकारक असर डाल सकता है। इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए इलाज का कोर्स पूरा करें। अब बात कर लेते हैं मलेरिया के सामान्य लक्षण के विषय में। तो इसके सामान्य लक्षण जो है, सिर में दर्द होना, भूख में कमी होना, कमजोरी होना, जोड़ों का दर्द होना या मांसपेशियों में दर्द होना, और जाड़ा का लगना, मतलब ठंड का लगना, बॉडी में ठंड का कुछ ज़्यादा लक्षण दिखाई देता है, तो मलेरिया का लक्षण होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों बात प्राप्त कर लेते हैं। तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सभी दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप किसी अन्य स्वास्थ्य परिस्थिति के लिए ले रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर सलाह न दे, क्योंकि यह विकसित हो रहे बच्चों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। यह दवा आपको इलाज के कुछ दिनों के भीतर बेहतर महसूस कराती है, लेकिन यदि आपको इलाज पूरा होने के तुरंत बाद बुखार, कपकपी, मांसपेशियों में दर्द या सिर दर्द का अनुभव होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अभी भी मलेरिया से संक्रमित हैं। यदि आपको ऐसे कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा के किसी अन्य दवा या एंटासिड को लेने से बचें, क्योंकि वह इस दवा को अवशोषित करने पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूमरिक्स टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट के विषय में। तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जैसे इसके सामान्य साइड इफेक्ट की बात करें तो सिर दर्द, भूख में कमी, चक्कर आना, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ची मचलाना, लाल लाल बॉडी के पर रैशेज पड़ना, ऐसी कोई भी समस्या लंबे समय तक रहती है तो आप अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात कर लेते हैं न्यूमरिक्स ATMG टैबलेट कैसे इस्तेमाल करें। तो इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए लेने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़े नहीं। न्यूमरिक्स एटी टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। तो इसमें जो ATMG टैबलेट है या एडल्ट डोज है, जो कि एक टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना चाहिए। इसकी कंपोजिशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आर्टिमेथर और लुमेफेंट्राइन, जो कि इप्का कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जिसकी MRP की बात करें तो 172.83 रुपया, जो कि 6 टैबलेट के पत्ते में आती है। इसका कोर्स 3 दिन का ही होता है। और अब बात कर लेते हैं ये न्यूमरिक्स एटी टैबलेट किस प्रकार काम करता है। तो न्यूमरिक्स ATMG टैबलेट दो एंटी पायरासाइटिक दवाओं का मिश्रण है, जो कि आपको अभी हमने बताया है, अर्टमेथर और लुमेफेंट्राइन, जो मलेरिया का इलाज करता है। ये दवाएं रक्त में हीम के स्तर को बढ़ाकर मलेरिया, जो मलेरियल परजीवी के लिए विषाक्त पदार्थ बनाता है, यह परजीवी को मारता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। तो ये थी न्यूमरिक्स ATMG टैबलेट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।